कलिसिया चर्च, चर्च को खुदावंद इस धरती से जाने से पहले एक मिशन दिया, एक काम दिया। क्या है मालूम है वो काम? एक सिक्का का दो साइड अगर होगा तो ही वो सिक्का वैल्यूबल होगा, है कि नहीं? एक पक्षी को दो पंख हो गए तो ही, एक चिड़िया को दो पंख हो गए तो ही वो उड़ सकेगी। हमें दो पैर होगा तो ही हम चल सकेंगे। इसी तरह चर्च को जो है खुदावन ने एक बड़ा मिशन देकर इस धरती से गया। वो मिशन जो है सिक्के के दो साइड के जैसा दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है जरा देखें, मरकुस का अंजील 16 अध्याय, मरकुस का अंजील 16 अध्याय में जरा आएंगे। मरकुस 16 उसका 15 से जरा पढ़िए। हाँ, तुम तमाम दुनिया में जाकर हाँ अंजील की मुनादी करना। आगे जो ईमान लाए, सब लोग मेरे पीछे बोले, जो ईमान लाए। क्या ईमान लाना है? वहां पर लिखा है अंजील की मुनादी करना, जो अंजील पर, गॉस्पल, किसका गॉस्पल? यीशु मसीह का खुशखबरी पर ईमान लाए। हाँ आगे, और बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा किसको देना है? जो अंजील सुनकर अंजील पर ईमान लाने वाले तमाम लोगों को देने का चीज है बपतिस्मा। ठीक है, ईमान लाए। आगे वो नजात पाएगा। तो नजात पाने के लिए अंजील को सुने, यीशु मसीह की खुशखबरी को सुने, तौबा करे, वो मैं आगे समझाऊंगा, तौबा करे, यीशु पर ईमान करे, अंजील पर ईमान करे, और यीशु ने दिया हुआ हुक्म बपतिस्मा ले। ऐसे लेने वालों को मिलने वाला गिफ्ट का नाम है नजात। नजात ये एक साइड ही हुआ, सिक्का का एक ही साइड ही हुआ। कलिसिया को दिया हुआ मिशन में, चलो हम लोग सब लोग जाएंगे, बाहर जाएंगे और बहुत सारे लोगों को अंजील की मुनादी कर कलिसिया में लेके आएंगे, ये खाली नहीं है खुदावन की कलिसिया का मकसद। वो एक ही साइड है, इसका दूसरा एक साइड है, वो मत्ती का अंजील में हम देखते हैं। मत्ती का अंजील 28 अध्याय, मत्ती का अंजील 28 अध्याय उसका 18 से जरा पढ़ के देखे। मत्ती 28 का 18 से मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को हाँ पढ़िए, मेरे शागिर्द बनाओ और उनको हाँ बपतिस्मा दो, हाँ और उनको ये तालीम दो उन सब बातों को मैंने तुमको, सब बातों का तालीम दे जो मैंने तुमको हुक्म किया है। यह है सिक्के का दूसरा साइड। पहला साइड क्या है? ईमान लेके आने के लिए, नजात मिलने के लिए यीशु का खुशखबरी लेकर बाहर जाइए, गवाह बने, इवेंजलिस्ट बने, बाहर जाइए, यीशु का खुशखबरी को सुनाए, ईमान लाने वालों को बपतिस्मा दे, कलिसिया में लेके आए। फिर आगे आगे है सिक्के का दूसरा साइड, मैंने तुमको जो कुछ भी सिखाया है उनको सिखाओ ताकि वो उस बातों को अमल करें। तो एक तरफ से देखेंगे तो सुसमाचार सुनाना, गॉस्पल सुनाना या खुशखबरी सुनाना, और दूसरा सुने हुए लोग यीशु का तालीम को सीखकर यीशु का चेला बनना, ये है कलिसिया का प्राइम मिशन। समझ में आ रहा है आपको? बिल्डिंग बनाना नहीं है चर्च का प्राइम मिशन। आज ऐसा हो गया, बिल्डिंग बनाएंगे हम लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्डिंग बना के बिल्डिंग किसका नाम पे? हाँ, लोगों को नहीं मालूम,
पास्टर के नाम पे बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाना नहीं है मिशन। फिर क्या है मिशन? मिशन यहां पर लिखा है, मिशन ये है कि गो इन टू द वर्ल्ड, दुनिया में जाइए, लोगों को देखे कितने दुख और निराशा में लोग हैं, सुसमाचार सुनाओ, यीशु का सुसमाचार सुनाओ। सुनने वाले सारे लोग ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन सुनने वाले कुछ लोगों के अंदर खुदावन रूह काम करेगा, वो लोग ईमान लाएंगे, उनको लेके आओ। लेके आने के बाद क्या? फिर उनको सिखाओ। क्या सिखाना? यीशु का चेला होने के लिए, टू बिकम द डिसाइपल ऑफ जीसस। तो ऐसा टू साइड मिशन दिया गया कलीसिया को। अफसोस की बात, ये टू साइड मिशन से कलीसिया बहुत दूर गया है। कुछ लोग क्या है, कुछ लोग एक साइड को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। कौन सा? सुसमाचार सुनाना, सुसमाचार सुनाना। एक बड़ा सा 100 किलो का एक रॉड है, समझो 100 किलो का रॉड है, आप लोग सब लोग एक साइड पकड़ा हुआ है और मैं दूसरा साइड पकड़ा है, कैसा लगेगा? कुछ होगा काम? 99% लोग पूरा खुशखबरी की बुनियादी के लिए लगे हुए हैं, मुबशिर इवेंजलिस्ट, बाहर जाकर खुशखबरी सुना, अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन एक बंदा सिखा रहा है, बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए कलीसिया का मेन मिशन बाहर जाकर खुशखबरी सुनाना, सुने हुए लोग अंदर आकर फिर आगे काम क्या है? यीशु ने सिखाए हुआ बातों को अमल करके यीशु का शागिर्द बनना, टू बिकम द डिसाइपल ऑफ जीसस। ये है चर्च का मिशन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, 20वां वचन सिस्टर और एक बार पढ़ना, 20वां वचन। उनको ये तालीम दो, उन सब बातों को, जोर से बोलेंगे सब बातों को, थोड़ा थोड़ा बात सिखाने के लिए नहीं बोला है, सब बातों को, हाँ, जिसका मैंने तुमको उखम। उसका मतलब क्या है? यीशु ने सिखाया हुआ तमाम बातें वो क्या है? उखम है। हाँ, पड़ोसी से प्यार करो, ये हुक्म है या ऑप्शन है? हम लोग कभी कभी ऑप्शन जैसा लेते हैं, है कि नहीं? दुश्मनों को प्यार करो, ये हुक्म है या ऑप्शन है? ब्रदर, जब भी मुझे मर्जी है मैं हुक्म जैसा लेगा, जब भी मुझे मर्जी मूड नहीं है मैं उसको ऑप्शन जैसा लेगा, ऐसा नहीं ले सकते। जिना नहीं करो, हुक्म है या ऑप्शन है? हाँ, गुस्सा नहीं हो, हुक्म है या ऑप्शन है? देखो अभी कम हो गया आवाज। यीशु ने सिखाए हुआ बातें ये ऑप्शन नहीं, बल्कि जो कुछ भी मैंने तुमको सिखाया तालीम दो, वो हुक्मों को अमल करने के लिए, टू प्रैक्टिस इट। क्या है बरकत? बरकत क्या है? देखिए, यूहन्ना का अंजील में जरा आएंगे, क्या है बरकत? 13 अध्याय, यूहन्ना 13। यूहन्ना 13:16-17 जरा पढ़े, क्या है बरकत? मैं तुमसे सच कहता हूं कि डॉक्टर अपने बालक से बड़ा नहीं, मतलब भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। हाँ, अगर तुम इन बातों को जानते हो, अगर तुम इन बातों को जानते हो, तुम मुबारक हो। क्या है? व्हाट इज द ब्लेसिंग? जानने वाले बातों पर अमल करना, ये है ब्लेसिंग, ये है मुबारक। समझे आप? ऐसा नहीं लिखा है कि आप सब बातों को जानो एक दिन में, नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। सब बातों को एक दिन में जानना भी मुश्किल है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सब बातें एक दिन में जान सकेगा, नहीं। लेकिन जितना आपने जाना उस बातों को अमल करो, वो है ब्लेसिंग। अगर आज आपने एक बातों को जाना या दो को जाना, वो दो बात, छोटी बातों को अमल करो, खुदावंद आपको इतना ब्लेस करेगा, और भी बातें आपको देगा ताकि और भी अमल करने के लिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन नया चीज़ें किसको सिखाता है मालूम है? नया नया चीज़ें। हम लोग दुआ करने के टाइम बोलते ना, खुदावन आज आपके कलाम से कुछ नया हम लोग सीखे। बहुत दफ़ा लोग दुआ करते हैं, मैंने सुना है, खुदावन आज तेरे कलाम से हम लोग कुछ नया सीखे। खुदावन ऊपर से बोलते, पिछला हफ्ता भी नया सीखा था, तूने अमल किया? नहीं। फिर और नया सीखे, एक साल में 50 बार नया चीज़ को सीखा लेकिन कभी भी अमल नहीं किया। खुदावन ऐसा नया नहीं देगा। जब भी अमल करेंगे फिर खुदावन हमें नया देगा, हमेशा समझना। जब भी खुदावन ने बोला हुआ बात को अमल, जब अमल करते हैं फिर खुदावन हमें नया देता है।